नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंस, हमारे खास एपिसोड क्वार्क एक्सप्रेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना क्वार्क एक्सप्रेस के जो इनसाइड पेज हैं उसके अंदर के पेज का जो मास्ट हेड है वो कैसे डिजाइन करेंगे। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा। और जो चीज़ ना समझ में आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर कॉल आप उसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, कॉल करके भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात करें, नीचे सब्सक्राइब वाले बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंस को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आकर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता है, आपको नई जानकारी हासिल होती है। आपको बता दें कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें ताकि हर छोटी छोटी अपडेट भी आप तक प्राप्त होती रहे। दोस्तों लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपने अंदर के पेजों का जो मास्ट हेड है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले ओपन कर लेंगे अपना क्वार्क एक्सप्रेस, और यहाँ पर जो है ओपन कर लेंगे अपना पेज। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पेज हम ओपन कर रहे हैं और इसकी पेज पर हम लोग बनाएंगे अपना अंदर के पेज का मास्ट हेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मास्ट हेड बनाने के लिए हम एक जगह देखेंगे कि किस जगह पर हमें कितना साइज का मास्ट हेड बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम एक ड्रॉ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, और इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज जो है वो हम कर लेंगे 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर का हमने साइज लिया हुआ है, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम जो है थोड़ा सा कलर करके आपको दिखा दें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इसको यहाँ पर साइज ले लिया है जो कि 2 सेंटीमीटर का है। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ रखेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसको हम लोग कर देंगे डुप्लीकेट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल से ऑल्ट डी हमने किया, तो यहाँ पर स्टेप एंड रिपीट का ऑप्शन आ गया है और इसको हम लोग कर देंगे डुप्लीकेट। तो अभी आप जो है यहाँ देख रहे हैं हमने डुप्लीकेट इस बॉक्स को कर दिया है, और जो कि नन हमने यहाँ पर से कर दिया है इस बॉक्स को जो हमने डुप्लीकेट किया। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे अपने कुछ नाम, कुछ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चलिए हम यहाँ पर अपने अखबार का नाम ही टाइप कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम और भी चीज़ें यहाँ पर टाइप करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने अपने न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर टाइप कर लिया है, इसको साइज़ दे देंगे। तो जो साइज़ को आपको देना है अपने न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे टेक्स्ट पर, यहाँ कर देंगे सेंटर। सेंटर करने के बाद अप्लाई ओके करेंगे, और आप देखेंगे हमारा ये सेंटर में हो चुका है। अब इसी बॉक्स को हम कंट्रोल डी करेंगे सिंपल, और इसको खींच करके इधर इस बॉक्स को ले आएंगे, और यहाँ पर जो है हम डाल देंगे पेज नंबर। सो आप देख रहे हैं कि आप हमने पेज नंबर यहाँ पर डाल दिया है, और अब ये हमारा 3 नंबर पेज डिसाइड हो चुका है। सो गाइस आपने देखा कि यहाँ पर 2 चीज़ें एकदम हमने फिल कर दी है, और अब हम इसी बॉक्स को कॉपी करके डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद जो है यहाँ पर ले आएंगे सेंटर में, और इस सेंटर में हम लोग यहाँ पर डालेंगे किस का पेज है, कहाँ का पेज है, कौन सा पेज है, किस नाम का पेज है। तो यहाँ पर हमारा राजधानी जैसे पेज है, तो हम यहाँ पर लोकल पेज बना रहे हैं, तो लोकल पेज में आप राजधानी भी लिख सकते हैं या फिर जो शहर का नाम है वो भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस शहर के नाम को भी हम यहाँ पर से फॉन्ट चलिए थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने फॉन्ट अलग कर दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा भी सकते हैं, और आप यहाँ पर फॉन्ट बढ़ाने के बाद जो है इसका फॉन्ट हम लोग चेंज करेंगे। सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं फॉन्ट को चेंज कर दिया है, ये इतनी चीज़ें हमारी हो चुकी है। अब दोस्तों इस पेज पर हमें और क्या चीज़ चाहिए होगा, और हमें एक चाहिए होगा एक डेट के लिए जगह। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग डेट को डालेंगे, और ये जो बॉक्स हमारा है तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं आज हम सोमवार है, तो यहाँ पर हम सोमवार फिर एक कॉमा देंगे, यहाँ पर डेट हो जाएगी जो कि आज 5 फरवरी है, तो 5 फरवरी और 2024, तो यहाँ पर जो है हम 2024 कर दिए। सो गाइस आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चलिए इसका फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको नन करेंगे। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा वाइट है, तो इसको भी हम यहाँ से नन कर देंगे ताकि एक ही सेम बैकग्राउंड में हमारा फॉन्ट हो जाए। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा कुछ इस टाइप से हो चुका है। अब हम इसमें और क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो भी आपको बता दें कि यहाँ पर आप बहुत सारी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरीके का आप देना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। इस पे इसको जो है आप यहाँ पर फॉन्ट बड़ा कर लेंगे, और इसका भी आप यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने फॉन्ट चेंज कर दिया है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करेंगे, और ऊपर करने के लिए हमको बता दें कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और 0 के ऊपर का ब्रैकेट जो है वो हम यहाँ पर यूज़ किए हैं ऊपर करने के लिए। तो आप तो इस तरीके से ऊपर नीचे यहाँ पर
कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं कुछ इतना हमारा रेडी हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा इसमें डिजाइन कर लेते हैं। तो डिजाइन करने के लिए आप एक बॉक्स को चलिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बॉक्स चाहे फोटो बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए, चाहे कोई सा भी बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद अब आप जो है यहाँ पर से इसको थोड़ा सा हम लोग टिल्ट करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसको हमने 20% किया हुआ है, और जो कि हम -20 कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि -20 जैसे ही करेंगे हम, तो हमारा इधर से थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। और अब हम इसको यहाँ पर रख के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। सो गाइज, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा -20 इधर हो चुका है, और ये हमारा कुछ ऐसा है हो गया है। इसी को हम कंट्रोल डी करेंगे और एक इधर भी रख लेंगे। सो गाइज, देख रहे हैं हमारा बीच का कुछ ऐसा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। और अब हमें करना क्या है, ऊपर का हिस्सा जो है, जो निकला हुआ है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से हमने इसको सेलेक्ट किया है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ पर गए आइटम में, आइटम पे जाने के बाद दिया हुआ है मर्ज, मर्ज पे दिया हुआ है डिफरेंस। जैसे डिफरेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा बॉक्स को डिफरेंस कर दिया है। सो गाइस, इसी तरीके से हम इधर भी इसको ले लेंगे, और इस बॉक्स को यहाँ पर हमारा हो गया। सो गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा हो चुका है, और इन दोनों बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया। इसका कलर भी हम यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ग्रे कलर का यूज़ किया हुआ है और इसको लगाने के लिए। अब ये हमारा हो चुका है, यहाँ पर आइटम पर गए और इसको एडिट में गए, ये भी हमने इसको शिफ्ट हटा दिया ताकि जो कॉर्नर से हमारा ये खिसक रहा है ये हमारा हट जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसको जो है चेंज कर लिए हैं दोनों को। और अब हमको करना क्या है सर, कि यहाँ से ये जो नीचे का पोर्शन निकला हुआ है, और इस पोर्शन में हम चाहें तो कोई सा डिज़ाइन दे सकते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर से हम एक और लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि हम इस लाइन को यहाँ पर इस दोनों पॉइंट से मिला देंगे ताकि आपका कुछ ऐसा डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसा डिज़ाइन हमारा बन करके तैयार हो चुका है। और आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी दे सकते हैं, इसके बगल में भी एक लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी लाइन तो ऐसी है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सी लाइन लेंगे, पेन लाइन का यूज़ करेंगे हम लोग, और जितना नीचे लिया है उतना ही यहाँ पर ऊपर की तरफ लेंगे, जो कि हमारी प्रॉपर तरीके से लाइन सेट हो जाए। और उसके बाद इसी लाइन को हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे और इधर लगा लेंगे, और इसी को डुप्लीकेट करके हम लोग इधर दे सकते हैं। सो गाइज, आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से हमारा एक डिज़ाइन तैयार होगा, और इसी को हम लोग डुप्लीकेट करके यहाँ पर से भी एक लाइन लगा देंगे। तो कुछ ऐसा होगा हमारा ड्रॉ। और इस लाइन को चाहें तो आप इसका कलर कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको हम लोग अगर और इधर दोनों बॉक्स को मिला करके इधर खींचते हैं, ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद जो है नीचे की तरफ जैसे ही खींचेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसा हमारा हो रहा है। सो आप देख रहे हैं कुछ ऐसा हमारा दिखने में हो गया है। और यहाँ पर आप जो है इसको ऊपर कर लेंगे, और इसके बाद आप देखेंगे कुछ हम इसको प्रॉपर तरीके से इसको खींच लेते हैं, और यहाँ पर इसको सिंपल सा हम लोग डिफरेंस कर लेंगे। इसको किया, ऊपर का बॉक्स सेलेक्ट किया, यहाँ पर किया, इसको ग्रुप पहले कर लेंगे क्योंकि एक ही हो रहा है। और इसको करने के बाद हम यहाँ पर ग्रुप किए जो थे, और इसको यहाँ आइटम पर गए, आइटम करने के बाद जो है यहाँ से डिफरेंस हम कर देंगे। अब देखें कुछ ऐसा हमारा हो गया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको डिफरेंस कर देंगे, एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आइटम पर गए, आइटम पर जाने के बाद मर्ज, और यहाँ पर डिफरेंस। अब देखेंगे नीचे जो निकला हुआ हिस्सा था वो भी हमारा हट चुका है, और अब आपका कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको पूरा सेलेक्ट किया, ग्रुप कर लिया, ग्रुप करने के बाद आप इसको कम या ज़्यादा डिज़ाइन अपना इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कुछ ऐसा आपका हो चुका है। और अगर आप कुछ भी इसमें देना चाहते हैं, यहाँ पर आप कोई फोटो इमेज जो भी चीज़ डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना फोटो बॉक्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप कोई से भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस फोटो बॉक्स में जो है जो भी जिस पेज का है उस पेज का लोगो या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और आपका कुछ इस टाइप से अंदर का पेज का बॉर्डर, ये जो मास्टर है, वो तैयार हो जाएगा।
अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ सर्वाधिक न्यूज जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर आप एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, और जैसे कि आपको दिखा दें यहाँ पर, तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। और इस लाइन को आप यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा लेंगे, और जितना भी आप चाहें तो यहाँ पर आप इसकी विड्थ बढ़ा करके यहाँ पर आप लाइन का जो बॉर्डर है, लाइन का डिज़ाइन दे सकते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइन है वो इसका डिज़ाइन हम किए थे, इसके बाद इधर हम एक लाइन को ड्रॉ कर दिया ताकि इससे ब्रेक हो जाए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप से हो चुका है, और इसके बाद अब आप देखेंगे कुछ इस टाइप से हमारा हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंटर आपका कहाँ जा रहा है ये भी आप देख लीजिएगा, कि ये हमारा आप देखेंगे कि यहाँ पर से हमने इसको किया और ये हमारा सेंटर है, तो आप देखेंगे ये भी हमारा इधर साइड में है, कुछ इधर तरफ जा रहा है। तो हम इसको इधर खिसकाने के लिए सिंपल से इसको अनग्रुप करेंगे, पहले जो हमने ग्रुप किया हुआ था। ये दोस्तों हमारा अनग्रुप हो चुका है, और अब हम पूरे के पूरे एरिया को जो है इधर तरफ खिसका लेंगे। तो इसको हम पहले अनग्रुप कर लेते हैं, पूरा अनग्रुप हमारा हो चुका है, और अब हमें इसको पूरा का पूरा ड्रैग कर लेना है ताकि हमारा सेंटर में आ जाए। सो गाइस आप देख रहे हैं कि हमारा सेंटर में यहाँ पर अब लगभग आ चुका है, सेंटर में हो गया है, और अब आप देखेंगे कुछ इस टाइप से हमारा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिया है, और अब आप देखें कुछ इस टाइप से हमारा सेंटर में ये आ चुका है। और जो भी चीज़ आपको यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ देनी है तो इस पोर्शन में आप दे सकते हैं। सो गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे समझ में आए होगा, और आप भी जल्दी से अपना अंदर का मास्टर बना करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो को कैसे लगी कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ये भी बताइए कि आज के वीडियो से कि आपने कुछ नया सीखा, कि आपने कुछ नया जाना। दोस्तों उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई हुई सभी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी, जो चीज़ ना समझ में आई हो वो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कॉल करके उससे जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जल्दी से दबा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे व्हाट्सएप पेज और फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें ताकि हर छोटी छोटी अपडेट भी आपसे जानकारी ले सकें। तो दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।